एक बात फरी आपनु स्वागत छे। तो एक महत्वपूर्ण समाचार जे कच्छ सीमा थी जासूस निकलनार एक बीएसएफ ना जवाना 10 दिवस ना रिमांड मंजूर करवामां आव्या छे। गुजरात एटीएसे जासूसी ना आरोप मां बीएसएफ ना जवान नी धरपकड करी हती। अति गुप्त अने संवेदनशील माहिती मोबाइल मार्फते पाकिस्तान पहोंचाड़वानो बीएसएफ ना जवान छे, जे सज्जद पर आरोप छे के कच्छ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ना गांधीधाम युनिटी मां तैनात काश्मीरी जवान जासूसी करता झड़पायो हतो। बीएसएफ ની અતિ ગુપ્ત અને સંવેદનશીલ માહિતી પોતાના મોબાઈલ મારફતે પડોશી દુશ્મન દેશમાં મોકલતો હતો। ગુજરાતના એન્ટી ટેરરિસ્ટ કોડ દ્વારા જવાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતા 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે। એક સજ્જાદ નામ કા જો બીએસએફ મે કોન્સ્ટેબલ હે ઉસકા પૂરા નામ મોહમ્મદ સજાન સજ્જાદ સનોક મોહમ્મદ ઇમ્તિયાઝ હે ઓર જો રાજૌરી કે મંજાકોટ તાલુકા કા સુરુ લગાવ મે વહા કા રહેને વાલા હે। और गांधीधाम में जो 73 बटालियन जो बीएसएफ की है उसमें एक कंपनी में वो अपनी ड्यूटी करता है। वो आदमी अपने मोबाइल से बीएसएफ की जो सेंसिटिव मैटर होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो पड़ोसी देश को शेयर करता है, उसके बदले में पैसे लेता है और देश के खिलाफ वो गद्दारी करके देश के खिलाफ लड़ने की साजिश कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एटीएस के एसपी इम्तियाज से डीवाईएसपी वीएस चावड़ा और पीआईबीपी पटेल ये लोगों ने इंक्वायरी शुरू की थी। ये तो काफ़ी सेंसिटिव है और ये काफ़ी नुकसान करने वाली मैटर है, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने आज रोज यहाँ पे बीएसएफ में आए थे। बीएसएफ में भुज में जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ के ये सज्जाद आदमी को पकड़ा हुआ है, उसको पूछपरछ किया हो तो उसके पास से दो मोबाइल मिले हैं, दो एक्स्ट्रा सिम कार्ड मिले हैं और जानने मिला है कि वो ये मतलब अपने मोबाइल से ये सब सारी हकीकत बीएसएफ की गुप्त इन्फॉर्मेशन पड़ोसी देश को भेज रहा था। ये बात सही है और आगे की तफ्तीश चालू है।